नौवां अध्याय निबंध निबंध शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत। शास्त्रीय संगीत हम उसे कहते हैं जिसके कुछ विशेष नियम होते हैं, उन नियमों का पालन सदैव आवश्यक होता है। इसी प्रकार चित्रपट संगीत हम उसे कहेंगे जिसका प्रयोग किसी चित्रपट में हुआ हो। इस दृष्टि से बैजू बावरा का शास्त्रीय गीत राग देशी में निबद्ध आज गावत मन मोरे मन मेरो, झनक झनक पायल बाजे का राग मुल्तानी में निबद्ध गिरधर गोपाल तथा जनक 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 पायल बाजे आदि गीत सभी चित्रपट संगीत कहलाएंगे। किंतु नहीं, चित्रपट संगीत की कुछ अपनी निजी विशेषताएं होती हैं जो बड़ी सरलता से पहचानी जा सकती है। हल्के फुल्के गीत, आकर्षक रचना, सस्ते ढंग के शब्द किंतु भाव से भरे हुए वाघ वृंद का उत्कृष्ट प्रयोग, चटकीली बंदिशे मधुर कंठ द्वारा गाया जाने आदि चित्रपट संगीत के प्रमुख लक्षण है। सारांश में चित्रपट संगीत का मुख्य उद्देश्य यह है कि सुनने में मधुर एवं शीघ्र प्रभाव डालने वाला हो। इसमें स्वर ताल शब्द राग आदि का कोई बंधन नहीं होता। इसमें अधिकतर दाजा और खैरवा तालों का प्रयोग होता है। कुछ फिल्मी गीत अन्य तालों में भी पाए जाते हैं। शास्त्रीय संगीत में नियमों का पालन अनिवार्य होता है। स्वर लय तालबद्ध होना, रंग के अनुकूल स्वरों को लगाना, गाने बजाने में कर्म होना, आलाप तान बोलतान सरगम आदि की तैयारी और सफाई के साथ उच्चारण करना आदि शास्त्रीय संगीत के मुख्य नियम हैं। इन्हें मानते हुए आनंद की सृष्टि करना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उद्देश्य है। अधिकांश व्यक्तियों के साथ यह होता है कि उन्हें संगीत के इन नियमों के सीखने में ही इतना समय बीत जाता है कि उसके उद्देश्य तक नौबत नहीं आती, या यों कहिए कि वे संगीत के व्याकरण के चक्कर में इतना फंस जाते हैं कि वही उनका उद्देश्य बन जाता है और वास्तविक उद्देश्य से बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे अधिकांश गायकों में रस नहीं रहता, उनमें केवल गलाबाजी दिखाई पड़ती है। दूसरे ओर चित्रपट संगीत में कोई बंधन नहीं रहता और रंजकता मधुरता एवं भावात्मक सौंदर्य की सृष्टि ही उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है। गाना गाने के लिए मधुर कंठ, संगीत निर्देशक के लिए योग्य निर्देशक, पृष्ठभूमि संगीत देने के लिए कुशल कलाकार आदि निमंत्रित किए जाते हैं। इन सब व्यक्तियों का सम्मिलित प्रयत्न फिल्म में अभिनय के साथ प्रदर्शित किया जाता है। अभिनय और गाने का ऐसा संबंध जुड़ जाता है कि जब कभी उस गाने को सुनते हैं तो उससे संबंध फिल्म की भूमिका याद आ जाती है। अगर वह चित्रपट देखी हुई रहती है तो श्रोता को अधिक आनंद आता है। शास्त्रीय संगीत में इस प्रकार का अभिनय तो नहीं रहता और जो कुछ रहता भी है तो उसका प्रभाव श्रोताओं पर अच्छा नहीं पड़ता। सबसे मुख्य बात यह है कि शास्त्रीय संगीत की उचित प्रशंसा करने के लिए संगीत का थोड़ा बहुत ज्ञान आवश्यक होता है। हम चाहे उसकी बारीकियों को ना समझें, किंतु कम से कम इतना तो जानना आवश्यक है कि राग गायन में आलाप तान क्या है, शास्त्रीय संगीत में इनका कितना महत्व है। गायक अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर नए नए स्वर समूह की रचना करता है और उसे प्रत्येक स्थल पर लय ताल आदि की सीमा में निर्भर रहना पड़ता है इत्यादि इत्यादि। इसलिए शास्त्रीय संगीत का आनंद लेने के लिए उसके विधाओं
का ज्ञान आवश्यक है, किंतु चित्तपट अथवा भाव संगीत की प्रशंसा के लिए संगीत के लेशमात्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए साधारण जनता चित्तपट संगीत से अधिक प्रभावित होती है। चित्तपट संगीत लय प्रधान होता है, इसलिए दादरा और कहरवा ताल अधिक प्रयोग किए जाते हैं। साधारण स्तर के लोगों को चलते फिरते लय शीघ्र प्रभावित करती है। दूसरी ओर शास्त्रीय संगीत में लय की तुलना में स्वर प्रधान होता है। यह उसे है कि लय का प्रभाव क्षणिक और स्वर का स्थायी होता है। अतः शास्त्रीय संगीत की प्रशंसा अथवा मूल्यांकन वही व्यक्ति कर सकता है जिसे संगीत की थोड़ी बहुत शिक्षा मिली हो अथवा ज्ञान हो। अतः शास्त्रीय संगीत के प्रचार के लिए यह आवश्यक है कि अधिकांश जनता को संगीत की थोड़ी बहुत शिक्षा दी जाए। दूसरे शब्दों में तानसेन नहीं अपितु कानसेन तैयार किए जाएं। जीवन और संगीत। साहित्य संगीत कला विहीन वहीने साक्षात पशुए पुच्छ विषाण हीने। जीवन का तात्पर्य मानव जीवन से है, पशु पक्षी जीवन से नहीं। और संगीत से तात्पर्य केवल शास्त्रीय संगीत ही नहीं बल्कि भाव संगीत, चित्रपट संगीत, लोक संगीत आदि से भी है। भारतीय जीवन के पक पक में संगीत व्याप्त है। जन्म से मृत्यु तक यह हमारे साथ बना रहता है। जिस क्षण बालक इस संसार से प्रथम परिचय प्राप्त करता है तो वह संगीत द्वारा अपना आभास प्रकट करता है, और जिस समय मनुष्य इस संसार से विदा लेता है तो संगीत के द्वारा उसे राम नाम की महिमा बताई जाती है। इतना ही नहीं, मानव के इतिहास में जब भाषा का जन्म तक नहीं हुआ था उस समय आपस में भावों का आदान प्रदान संगीत द्वारा ही संभव था। मैकमूलर ने ठीक ही कहा है कि संगीत का जन्म भाषा से कहीं पूर्व हुआ है। यहाँ पर संगीत का व्यापक अर्थ लिया गया है। भारतीय जीवन में 16 संस्कार माने गए हैं, जैसे नामकरण, कर्ण छेदन, मुकन, मुंडन, विघारंभ, यज्ञोपवीत, विवाह आदि। इनमें से प्रत्येक का प्रारंभ और अंत संगीत से होता है। ऐसा भी कोई त्योहार नहीं है जहां संगीत ना हो, बल्कि संगीत के बिना त्योहार अधूरा रह जाता है। छोटा बड़ा कोई भी उत्सव मनाया जाए उसमें संगीत आवश्यक है, चाहे संगीत प्रार्थना तक ही क्यों ना सीमित हो। दिन भर के कठोर परिश्रम के बाद सायंकाल वंशी की एक छोटी सी धुन शरीर का सारा श्रम हर लेती है। गांवों में फसल तैयार होती है तो उनका हर्षोल्लास होली के रूप में प्रकट होता है। वे जिस खुशी और आत्मीयता से गले मिलते, रंग छिड़कते और अबीर बुक्का लगाते हैं कि देखते ही बनता है, किंतु उनके हर्ष की चरम सीमा उस समय पहुंचती है जब वे गांव के कोने कोने में ढोलक लेकर अपनी अपनी धुन में मस्त रहते हैं, मानो पूरे वर्ष की सारी थकावट निकाल कर रख रहे हों। संगीत केवल विनोद की वस्तु नहीं बल्कि ऐसा चिरस्थायी आनंद है जिसमें हमें आत्मसुख मिलता है। इसलिए संगीत भक्ति का अभिन्न अंग रहा है। जितने भी अच्छे भक्त हुए हैं सभी संगीत के ज्ञाता और साधक थे। भारत का कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सूर, तुलसी, मीरा आदि का नाम ना सुना हो। उनके प्रत्येक पद में ऐसा भाव है कि मनुष्य आनंद विभोर हो जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में हमारे साधु संतों की संगीत साधना का ही यह प्रभाव था कि कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, तुकाराम, नरसिंह मेहता ऐसी कृतियां
कृतियां कर गए जो हमारे और संसार के साहित्य में सर्वदा ही अपना विशिष्ट स्थान रखेंगे। संगीत सम्मेलन और उसकी उपयोगिता। स्वतंत्रता की स्वर्णिम बेला से संगीत में नव चेतना आई। सरकार ने शास्त्रीय संगीत के प्रचार में बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे प्रत्येक शनिवार को आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत संगीत का उत्कृष्ट कार्यक्रम प्रसारित करना, प्रतिभावान बालकों को संगीत सीखने के लिए छात्रवृत्ति देना, प्रति वर्ष 4 संगीतज्ञों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित करना, दीपावली के आसपास संगीत सभा आयोजित करना तथा उसे आकाशवाणी द्वारा प्रसारित करना आदि। कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो प्रतिवर्ष संगीत सम्मेलन आयोजित करती है। कलकत्ता, मुंबई, इलाहाबाद, वाराणसी आदि शहरों की संस्थाओं के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आधुनिक काल में संगीत सम्मेलन आयोजित करने का प्रथम श्रेय स्वामी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को है, जिन्होंने सन 1916 में तत्कालीन बड़ौदा नरेश की सहायता से प्रथम संगीत सम्मेलन संपन्न किया। वह सम्मेलन बहुत सफल रहा। उसने केवल संगीतज्ञों का कार्यक्रम ही नहीं हुआ, बल्कि संगीत की बहुत सी कृतियों को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न भी किया गया। उसी समय सर्वसम्मति द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि जनता में संगीत का प्रचार करने के लिए एक संगीत विद्यालय खोला जाए। इस सम्मेलन के पश्चात भातखंडे जी ने दिल्ली, बनारस और लखनऊ में संगीत सम्मेलन आयोजित किए। प्रत्येक सम्मेलन में संगीतज्ञों के समक्ष संगीत में घुसी हुई भ्रांतियों को सामने रखा और उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार संगीत सम्मेलन आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य संगीत सेवा थी। इस भावना से आयोजित किए गए संगीत सम्मेलनों से संगीत की सच्ची सेवा हो सकती है। आजकल के सम्मेलनों का ध्येय अपनी अपनी सेवा है। आयोजकों ने इसे वार्षिक व्यापार बना रखा है। वे इसके द्वारा अधिक से अधिक धन और संगीत की झूठी सेवा का यश बटोरना चाहते हैं। इसलिए आजकल संगीत सम्मेलनों में उन्हीं कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है जो या तो बिना पैसे के अपना कार्यक्रम दे सके अथवा जिनके आने से टिकट की अधिकाधिक बिक्री हो। अतः जिस कलाकार को संगीत सम्मेलन में निमंत्रित किया जाता है वह मुंह मांगा दाम मांगता है। जब कलाकारों ने इस प्रकार रुपया ऐंठना शुरू किया तो आयोजकों ने अपना राशन पूरा करने के लिए एक दूसरी तरकीब निकाली। उन्होंने सिनेमा के कलाकारों को भी बुलाना शुरू किया। अब क्या था, संगीत सम्मेलन भी हो गया और दूनी बचत भी होने लगी। इस प्रकार के संगीत सम्मेलनों से एक ओर जनता की रुचि बिगड़ती है और दूसरी ओर संगीत पर कुठाराघात किया जाता है। जो जनता पहले शास्त्रीय संगीत के अच्छे कार्यक्रमों को सुन लेती थी वही अब सिनेमा के कलाकारों का दर्शन कर ही संतुष्ट हो जाती है। अगर ऐसा ही रहा तो वह भी दिन दूर नहीं जब कि संगीत सम्मेलनों में अच्छे अच्छे कलाकारों को फिल्मी गाना मात्र सुनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, बस के लिए। संगीत में ताल का महत्व। स्वर और लय संगीत रूपी भवन के दो आधार स्तंभ हैं। स्वर से राग बने और लय से ताल। लय नापने के लिए मात्रा की कल्पना की गई। साधारण तौर से दो तालियों के बीच के समय को एक मात्रा कहते हैं। लय के अनंत प्रवाह में असंख्य मात्राएं हो सकती हैं।
सुविधा के लिए थोड़ी थोड़ी माताओं के कुछ समूह बनाए गए जिन्हें ताल कहा गया है। प्रत्येक प्रत्येक ताल के कुछ हिस्से किए गए जिन्हें विभाग कहा गया। तबला अथवा पखावज पर बजाने के लिए प्रत्येक ताल के कुछ निश्चित बोल भी स्वीकार किए गए। इससे यह सुविधा हुई कि गायक यह जान सके कि वह किसी भी समय ताल के किस मात्रा पर है। संगीत गायन वादन और नृत्य की त्रिवेणी है। इन तीनों में ताल का बड़ा महत्व है। गायक वादन को हमेशा ताल का ध्यान रखना पड़ता है। वह नई नई कल्पना करता है किंतु ताल से बाहर नहीं जाता है। जितनी सुंदरता से वह ताल से मिलता है वह उतना ही उच्च कोटि का कलाकार समझा जाता है। दूसरी ओर अगर वह ताल में कच्चा रहता है तो बोताला समझा जाता है। इस प्रकार एक अच्छे कलाकार के लिए ताल में कुशल होना आवश्यक है। आलाप के अतिरिक्त संगीत की सभी चीजों तालबद्ध होती है, इसलिए आलाप के समाप्त होते ही ताल शुरू हो जाता है और जब तक गायन समाप्त नहीं होता ताल चलता रहता है। स्थाई अंतरा, बोलतान, तान, सरगम आदि सभी ताल में रहते हैं। गीत के प्रकारों के आधार पर विभिन्न प्रकार के तालों की रचना हुई। ख्याल के लिए तीन ताल, एक ताल, झपताल, झूमरा, तिलवाड़ा, रूपक आदि। ध्रुपद के लिए चार ताल, सुलताल, तेवरा आदि। ठुमरी के लिए दीपचंदी, जत आदि तालों की रचना की गई। इन तालों के बोल गीत की प्रकृति के अनुसार चुने गए। इसलिए जब गायन अथवा वादन के साथ तबला अथवा बखावज बजाया जाता है तो अधिक आनंद आता है। साधारण श्रोता को वे गीत अधिक पसंद आते हैं जो लय प्रधान होते हैं। इसलिए साधारण जनता में लोक गीतों तथा चित्रपट गीतों का अधिक प्रचार है। गायन वादन में स्वर और लय के माध्यम से और नृत्य में अंग प्रदर्शन और लय के माध्यम से भावों को प्रकट किया जाता है। इतना ही नहीं, तबला के बोलों को और टुकड़ों को भी नृत्य द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तबले द्वारा जितनी अच्छी संगीति होती है आनंद उतना अधिक आता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विशेषता यह है कि समान मात्रा के कई ताल और गीत के प्रकार बनाए गए। उदाहरण के लिए तेवरा और रूपक तालों की सात मात्राएं, झपताल और शूल अथवा शूलफाक तालों की 10 मात्राएं, एक ताल और चार ताल की 12 मात्राएं, झूमरा आड़ा चार ताल, दीपचंदी और धमार तालों की 14 मात्राएं और तीन ताल व तिलवाड़ा तालों की 16 मात्राएं मानी गई है। इसी प्रकार ख्याल 10, 12 और 14 मात्रा में गाए जाते हैं तो उन्हीं मात्राओं में ध्रुपद भी पाए जाते हैं। 14 मात्रा में ख्याल, ठुमरी और धमार भी गाए जाते हैं, किंतु ख्याल के साथ आड़ा चार ताल अथवा झूमरा ताल ही बजाया जावेगा, दीपचंदी ताल नहीं। इसी प्रकार 14 मात्रा की ठुमरी के साथ दीपचंदी ताल ही बजाई जावेगी, अन्य नहीं। गीत के साथ उचित ताल का प्रयोग आवश्यक है, जिसका ज्ञान शिक्षा और अनुभव से प्राप्त होता है। उचित ताल के प्रयोग से ही संगीत में रस सृष्टि होती है और तभी आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार संगीत में ताल का बड़ा महत्व है। एक संगीत समारोह का वर्णन। जनता का मनोरंजन सबसे अधिक संगीत से होता है। हर एक शुभ अवसर पर संगीत का कार्यक्रम रखा जाता है। कुछ संस्थाएं भी संगीत कार्यक्रम आयोजित करती है। वाराणसी, इलाहाबाद, कलकत्ता, बम्बई आदि स्थानों में हर वर्ष संगीत सम्मेलन हुआ करता है। एक बार बसंत के पूर्व वाराणसी जाने को हुआ। पहुंचने पर मालूम हुआ कि संगीत परिषद द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन चल रहा है।
खुशी इस बात की हुई कि उसी दिन पंडित रवि शंकर का सितार वादन था। मुझे सितार बहुत प्रिय है। उस पर से पंडित रवि शंकर का और भी एक बड़े से पंडाल में संगीत कार्यक्रम हो रहा था। स्टेज सजा हुआ था। हवा में कागज के फूल पत्ते झूम रहे थे। यद्यपि पंडाल में सैकड़ों क्या हजारों स्त्री पुरुष थे, फिर भी बड़ी शांति थी। कार्यक्रम ठीक समय से शुरू हुआ। उस दिन की बैठक से उस्ताद अमीर खां का गायन, अली अकबर खां का सरोद, पंडित रवि शंकर का सितार, तालवाग, कचहरी आदि कार्यक्रम थे। अमीर खां के साथ अल्लाह रखा साहब संगति करने बैठे। खां साहब ने पूरिया राग में अलाप बड़ा ख्याल तथा छोटा ख्याल गाया। श्रोताओं ने उनके गायन का आनंद लिया। इसके बाद उस्ताद अली अकबर खां का सरोद रखा गया और उनके साथ किशन महाराज संगति करने बैठे। आपने यमन राग में जोड़ आलाप तथा देश राग में मसीद खानी और रजा खानी गत बजाया। किशन जी ने बड़ी अच्छी संगति की। बीच बीच में जैसा सरोद पर बजता वैसा ही तबले पर सुनाते और जनता मारे खुशी के ताली बजाने लगती। राग देश के बाद चंद्रनंदन राग बजाकर अपना कार्यक्रम समाप्त किया। इसके बाद ताल वाग कचहरी हुई। इसमें दो तबलिये, एक पखावजी, एक खजरी वाले भाग ले रहे थे। आपस की लड़त में लोगों को बड़ा आनंद आया। प्रत्येक कलाकार एक दूसरे से अच्छा लगता था। अंत में पंडित रविशंकर का सितार वादन था। रात्रि के 3 बज चुके थे। पंडाल खच भरा हुआ था। जिस समय वे स्टेज पर आए, लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। 1 घंटे तक ललित राग में आलाप जोड़ बजाया। चारों तरफ ललित राग छा गया। आलाप के बाद मसीद खानी और रजा खानी गत बजाया। ललित के बाद 1 घंटे तक भैरवी राग बजाया। भैरवी में बारों स्वरों का बड़ा सुंदर प्रयोग करते थे। बड़ी तैयारी के साथ तान तोड़े बजाए। झाले में तबलिये का नाधिन धिन्ना और भी मजा दे रहा था। इस प्रकार सुबह 5:30 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ। 7वां अध्याय, तंबूरा। इस वाक को तानपुरा के नाम से पुकारते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में इसने महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। इसका कारण यह है कि इसका स्वर बहुत ही मधुर होता है, जो संगीत कार्यक्रमों के लिए अनुकूल वातावरण की सृष्टि में सहायक होता है। तानपुरे की झनकार सुनते ही गायक कुछ गाने के लिए मचल सा उठता है। इस वाक का उपयोग गायन अथवा वादन के साथ स्वर देने के में सहायक होता है। तानपुरा के तार और उन्हें मिलाने की विधि। तानपुरा अथवा तंबूरे में 4 तार होते हैं। प्रथम तार को मंद पंचम अथवा जिन रागों में पंचम स्वर नहीं होता है, मंद के मध्यम से मिलाते हैं। उदाहरणार्थ मालकोश राग गाते समय इसे मंद मध्यम से मिलाते हैं। कुछ रागों में ना तो पंचम और ना शुद्ध मध्यम ही प्रयोग होते हैं, जैसे पूरिया या मालवा, तब इसे मंद नी से मिलाते हैं। प्रथम तार पीतल का होता है। तानपुरे के दूसरे व तीसरे तार सदैव मध्य सप्तक के सदर्ज से मिलाए जाते हैं। ये दोनों तार लोहे के होते हैं।
चौथा व अंतिम ताल पीतल का होता है। इसे मंद सड़क से मिलाया जाता है। यह ताल अन्य तालों की तुलना में मोटा होता है। स्त्रियों के तानपुरे का प्रथम ताल भी लोहे का होता है और अन्य ताल पुरुषों के तानपुरे के समान होते हैं। अधिक चढ़ाव उतार के लिए ताल को खूंटी से मिलाते हैं और थोड़े अंतर के लिए मनका से मिलाते हैं। मनका या मोती को नीचे करने से स्वर चढ़ता है। तानपुरा के अंग, पहला तुम्बा, यह लौकी का बना होता हुआ गोल आकृति का होता है जो डांड के नीचे के भाग से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा तबली, गोल लौकी के ऊपर का भाग काटकर अलग कर दिया जाता है और खोखले भाग को लकड़ी के एक टुकड़े से ढक दिया जाता है जिसे तबली कहते हैं। तीसरा ब्रिज, इसे घुड़स अथवा घोड़ी कहते हैं। यह तबली के ऊपर स्थित लकड़ी अथवा हड्डी की बनी हुई छोटी चौकी की आकार की होती है। चौथा धागा, घुड़स और तार के बीच सूत अथवा धागे को ठीक स्थान पर स्थित कर देने से तंबूरे के झनकार में वृद्धि होती है। पांचवा कील, मोंगरा अथवा लंगोट, तुम्बे के नीचे के भाग में तार को बांधने के लिए एक कील होती है जिसे लंगोट अथवा मंगोदा भी कहते हैं। छठा पत्तियां, सजावट के लिए तुम्बे के ऊपर लकड़ी की सुंदर पत्तियां बनाई जाती हैं जिन्हें श्रृंगार भी कहते हैं। सातवां गुल, जिस स्थान पर तुम्बा और डांड के नीचे का भाग मिलता है गुल कहलाता है। आठवां डांड, यह तानपुरे के ऊपर का भाग है जो लंबी और पोली पोली लकड़ी का बना होता है। इसके नीचे का भाग तुम्बे से जोड़ दिया जाता है और ऊपर के भाग में चार खूंटियां होती हैं। डांड के ऊपर चारों ओर तार तने रहते हैं। नौवां अटी या अटक, तानपुरे के चारों तार कील से घुड़स पर होते हुए ऊपर को जाते हैं। ऊपर की ओर सर्वप्रथम हाथी दांत की एक पट्टी मिलती है जिसके ऊपर चारों तार अलग अलग रखे जाते हैं। इसे अटी या अटक कहते हैं। दसवां तारगैन अथवा तारदान, अटी से होता हुआ पूरा पुनः ऊपर को जाता है जहां एक दूसरी पट्टी मिलती है। इस पट्टी में अलग अलग चार छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से होकर तार ऊपर जाता है। पट्टी को तारगहन भी कहते हैं। ग्यारहवां खूंटियां, इससे चारों तार क्रमशः बांध दिए जाते हैं। ये खूंटियां तानपुरे के ऊपरी भाग में होती है। दो खूंटियां तानपुरे के समान के भाग में एक डांड की बाई ओर और दूसरी दाहिने ओर होती है। बारवा तार, पीछे हम बता चुके हैं कि तानपुरे में चार तार होते हैं। पुरुषों के तानपुरे में प्रथम और अंतिम तार पीतल का और अन्य दो बीच के तार लोहे के होते हैं। स्त्रियों के तानपुरे में केवल अंतिम तार पीतल का होता है और शेष लोहे के होते हैं। तेरवा मनका, स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक करने के लिए मोती अथवा हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे के चारों तार में घुड़स और कील के मध्य अलग अलग पिरोए जाते हैं जिन्हें मनका कहते हैं। इनसे तार के स्वर थोड़ा ऊपर नीचे किए जाते हैं। प्रश्न पहला, तानपुरे के अंगों को सचित्र समझाइए। दूसरा, तानपुरे के तारों को किन किन स्वरों से और किस प्रकार मिलाते हैं। तीसरा, पुरुषों और महिलाओं के तानपुरे पुरों में क्या अंतर होता है समझाइए। सितार,
उत्तर भारतीय संगति संगीत में सितार एक लोकप्रिय वाद्य है। पाश्चात्य देशों में भी इसका प्रचार धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसकी मधुरता श्रोताओं को अपनी ओर शीघ्र आकृष्ट कर लेती है। इसमें पद होने के कारण प्रारंभ में यह सरल है, किंतु जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं कठिन होता जाता है। नीचे सितार के अंगों पर प्रकाश डाला जा रहा है। सितार के अंग, पहला तुम्बा। सितार के नीचे का भाग जो गोल लौकी का होता है तुम्बा कहलाता है। दूसरा कील, तुम्बे के नीचे के भाग में जिस वस्तु से सितार के तार बांधे जाते हैं कील अथवा मोगरा कहलाता है। तीसरा तबली, तुम्बे का थोड़ा भाग काटकर पतली लकड़ी से ढक दिया जाता है, इस ढक्कन को तबली कहते हैं। चौथा घुरच, तबली के ऊपर लकड़ी या हाथी दांत की एक चौकी होती है जिस पर तार रखे जाते हैं, इसे घुड़च अथवा ब्रिज कहते हैं। इसकी ऊपरी सतह जवारी कहलाती है। पांचवा डांड, सितार की लंबी खोखली लकड़ी जिसमें पर्दे बने रहते हैं डांड कहलाती है। छठा गुल, यह वह भाग है जहां तुम्बी और डांड जुड़ते हैं। सातवा मनका, सितार के तार को मिलाने के लिए उसमें जो मोती पिराई जाती है उसे मनका कहते हैं। आठवा पर्दा, सितार में डांड के ऊपर पीतल अथवा लोहे की सलाइयों के टुकड़े तांत से बांध दिए जाते हैं जिन्हें पर्दा अथवा सुंदरी कहते हैं। पर्दे 16 से 24 तक होते हैं। नौवा अटी, सितार के ऊपरी सिरे पर हाथी दांत की दो पट्टियां होती हैं। पहली पट्टी जिसके ऊपर तार रखे जाते हैं अटी कहलाती है। दसवा तार गहन, दूसरी पट्टी जिसके बीच से तार गुजरता हुआ खूंटी से बांध दिया जाता है तारगेन कहलाता है। ग्यारहवा खूंटियां, सितार के तारों को कसने के लिए डांड में लकड़ी की कुछ चाबियां होती हैं जिन्हें खूंटी कहते हैं। बारहवा तरब, अच्छे सितारों में पर्दे के नीचे कुछ पतले तार होते हैं जिसके लिए अलग अलग छोटी छोटी खूंटियां तथा एक छोटा सा घुड़च होता है, उन्हें तरब कहते हैं। इन तारों से स्वर देर तक गूंजता है। तेरवा मिजराब, लोहे के तार की बनी हुई है वह वस्तु जिसे दाहिने हाथ की तर्जनी में फंसाकर सितार के तारों को आघात करते हैं, मिजराब कहलाती है। चौदवा तार, तरफ के तारों के अतिरिक्त सितार में 7 तार होते हैं जिन्हें विभिन्न स्वरों से मिलाते हैं। नीचे उन्हें मिलाने की विधि पर प्रकाश डाला जा रहा है। सितार के तार, प्रथम तार लोहे का होता है, इसका प्रयोग अन्य तारों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, अतः इसे बाज का तार कहते हैं। यह तार लोहे का होता है। दूसरे और तीसरा तार पीतल का होता है जिन्हें मंद सार से मिलाते हैं। इन्हें जोड़ी का तार कहते हैं। चौथा तार लोहे का होता है जिसे मंद पार से मिलाते हैं। पांचवा तार पीतल का होता है और इसे मंद सार स्वर से मिलाते हैं। इसकी मोटाई अन्य तारों की तुलना में अधिक होती है। कुछ सितार वादक चौथे और पांचवे तार का स्थान एक दूसरे से आपस में बदल लेते हैं। छठा तार लोहे का होता है जिसे मध्य सा से मिलाया जाता है, इसे चिकारी का प्रथम तार कहते हैं। सातवां और अंतिम तार लोहे का होता है, इसे तार सा से मिलाते हैं, इसे दूसरी चिकारी का तार कहते हैं। झाला बजाने में चिकारी के तार को विशेष रूप से प्रयोग करते हैं।
सितार, खूंटियां तार घैन पर्दे या सारिका, तरफ की खूंटियां डांड तबली घुड़च गुलू तबली तुम्बा मनका लंगोट सितार लंगोट। सितार मिलाने की विधि, सर्वप्रथम जोड़ी के दोनों तारों को किसी स्वर से उसे सा मानकर मिलाइए, उससे उत्पन्न स्वर मंद सा होगा। इसके बाद बाज के तार को मंद मंद मा से मिलाइए, यह जानने के लिए कि यह तार ठीक मिला है कि नहीं। बाज के तार पर सा बजाकर उसे जोड़ी के तार से मिलाइए, मिल जाने पर मध्य सा बाज के तार से ठीक एक सप्तक ऊंचा होगा। चौथे तार मंद पास स्वर से मिलाइए मिलाया जाता है, अतः बाज के तार पर पा बजाकर उसका मिलान कर लीजिए। अब चौथे तार की सहायता से पांचवा तार अति मंद पा से मिला लीजिए। छठवा तार मंद सा से मिलाया जाता है, बाज के तार पर सा बजाकर उसे मिला लीजिए। अब बाज के तार पर सा बजाकर दूसरी चिकारी को मिला लीजिए। सितार पर बजाए जाने वाले राग के अनुसार तड़प के तार मिलाए जाते हैं। जिस किसी स्वर से तार को मिलाना हो तो पहले उसी स्वर को पर्दे पर बजा लीजिए और तड़प की खूंटी को आवश्यकता अनुसार कसिए अथवा ढीला कीजिए। सितार के बोल और उन्हें निकालने की विधि, सितार के मुख्य दो बोल हैं डा और सा दा। इनको विभिन्न प्रकार से मिलाने तथा बजाने की विधि में परिवर्तन करने से विविध बोल बनते हैं। पहला दा, जब मिजराब बाहर से अंदर लाते हुए तार पर प्रहार करते हैं और उंगली अपनी ओर खींचते हैं तो दा का बोल निकलता है। दूसरा दा, इसके विपरीत जब तार पर आघात करते हुए उंगली अंदर से बाहर जाती है तो दा का बोल निकलता है। तीसरा दिर, शीघ्रता से दा रा बजाने से दिर का बोल निकलता है। चौथा दार, दा बजाने के बाद रा का आधा समय छोड़ देने पर शेष आधे समय में रे रा बजाने से दार का बोल निकलता है। इसे इस तरह लिखेंगे दा र। पांचवा दा, दा और दा को मिलाकर शीघ्रता से एक साथ बजाने से दा का बोल निकलता है। सितार का संक्षिप्त इतिहास, सितार का जन्म के विषय में विद्वानों के कई मत हैं। अभी तक किसी भी मत के पक्ष में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका है। पहला मत यह है कि इस वाग की रचना वीणा के आधार पर हुई। दूसरे मतानुसार मध्यमादि वीणा से सितार की रचना तो हुई किंतु आविष्कारक थे अमीर खुसरो। खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक थे। अमीर खुसरो ने सितार का नाम सहतार रखा, जो बिगड़ते बिगड़ते सितार हो गया। फारसी में सह के अर्थ तीन होते हैं। उस समय सितार में तीन तार और 14 पर्दे लगाए जाते थे। धीरे धीरे तार और पर्दों की संख्या बढ़ती गई और अब 7 तार और 16 से 24 तक पर्दे लगाए जाते हैं। तीसरे मतानुसार यह वाक अभारतीय है और पर्सिया से भारत में आया। इन तीनों मतों की अपेक्षा दूसरे मत के मानने वाले अधिक संगीतज्ञ हैं। अमीर खुसरो ने सितार के प्रचार में बड़ा हाथ बटाया और उनके नाम से ही सितार का एक घराना चल पड़ा। एक ओर अमीर खुसरो और दूसरी ओर तानसेन की शिष्य और वंश परंपरा में सितार बजाया जाता रहा।
तानसेन घराना सैनी घराना के नाम से प्रसिद्ध है। इस घराने के अमृत सेन और निहाल सेन ने सितार के अंगों में बहुत कुछ संशोधन और परिवर्धन किया। इस घराने के अंतिम तंत्रकार जयपुर के अमीर खां थे। कुछ सरोदियों ने भी सितार सिखाया, जैसे मैहर के अलाउद्दीन खां ने, स्वयं निखिल बनर्जी और पंडित रवि शंकर को सितार सिखाया, जो हिंदुस्तान के जाने माने कलाकार रहे हैं। सितार शास्त्र ठाट। सितार में बंधे हुए पर्दों के समूह को ठाट कहते हैं। इसके मुख्य दो प्रकार हैं, अचल और चल। अचल ठाट वाला सितार वह होता है जिसके पर्दों को खिसकाने की आवश्यकता नहीं होती और जिसमें प्रत्येक ठाट का राग बजाया जा सकता है। स्वयं अचल का शाब्दिक अर्थ है अपरिवर्तनीय। इस ठाट के 24 पर्दे इस क्रम से होते हैं, मा पा धा धा नी नी सा रे रे गा गा मा मा पा धा धा नी नी सा रे रे गा गा और मा। 23 पर्दों के ठाट में ताल मा हटा देते हैं। चल ठाट में बजाए जाने वाले राग के अनुसार पर्दे खिसकाए जाते हैं। इसमें 16 से 19 तक पर्दे होते हैं। 16 पर्दे मा पा धा नी नी सा रे सा रे गा मा मा पा धा नी सा रे और गा स्वर स्थानों पर क्रमशः बांध दिए जाते हैं। पर्दों की संख्या और उनका स्थान संगीतज्ञ स्वयं अपनी रुचि के अनुसार निश्चित कर लेते हैं। बोल। सितार के तार पर मिजराब से प्रहार करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे बोल कहते हैं। बोल मुख्य दो प्रकार के प्रहारों से उत्पन्न होते हैं। पहला आकर्ष प्रहार, जिस प्रहार दा की ध्वनि उत्पन्न होती है उसे आकर्ष अथवा सुलट प्रहार कहते हैं। इसमें दाहिने हाथ की तर्जनी को तार पर बाहर से आघात करते हुए अंदर की ओर लाते हैं। दूसरा अपकर्ष प्रहार, जिस प्रहार से दा की ध्वनि उत्पन्न होती है उसे अपकर्ष प्रहार कहते हैं। इसमें तर्जनी के तार पर आघात करते हुए अंदर से बाहर ले जाते हैं, इसे उलट प्रहार भी कहते हैं। गत, वाक पर बजाई जाने वाली राग तालबद्ध रचनाएं गत कहलाती हैं। सितार पर मुख्य दो प्रकार की गतें बजाई जाती है। पहला मसीद खानी गत, इसका आविष्कार अमीर खुसरो के वंशज मसीद खान ने किया था। यह विलंबित तीन ताल में बजाई जाती है। इसमें गत के पहले विस्तार में अलाप करते हैं, जो ध्रुपद के नोम तोम अलाप के समान होता है। अलाप की गति धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और अंत में झाला बजाकर अलाप समाप्त किया करते हैं और गत शुरू करते हैं। गत सदैव बारहवीं मात्रा से आरंभ होती है। गत के बोल इस प्रकार होते हैं, दिर दादिर दादा दादा रादिर दादिर दादिर दादा दादा दा। इसमें मींड सूत गमक आदि खूब प्रयोग करते हैं। इसे पश्चिमी अथवा दिल्ली बाज भी कहते हैं। दूसरा रजा खानी गत, इसका आविष्कार रजा खान ने किया था। यह द्रुत लय में बजाई जाती है। इसके बोल मसीद खानी गत के समान पहले से निश्चित नहीं होते, बल्कि इसमें आवश्यकता अनुसार अलग अलग बोल प्रयोग किए जाते हैं। इसमें तैयारी के साथ तोड़े बजाए जाते हैं और अंत में झाला के विभिन्न प्रकार बजाकर गत समाप्त करते हैं। इसे पूर्वी अथवा लखनऊ बाज भी कहते हैं। जमजमा, दो स्वरों की एक दूसरे के बाद शीघ्रता से बजाने को जमजमा कहते हैं, अर्थात किसी पर्दे पर दा अथवा दा बजाकर किसी दूसरे स्वर को शीघ्रता से बजाने को जमजमा कहते हैं। झाला,
सितार में बाज और शिकारी के तार की सहायता से द्रुत लय में दा रा रा अथवा उसके प्रकार बजाने को झाला कहते हैं। इसका प्रयोग रजाखानी गत के अंत में होता है। दा रा रा को विभिन्न प्रकार से उलटने पलटने से झाले के प्रकार बनते हैं। जब दा से झाला शुरू होता है तो उसे सुलट झाला और जब दा से शुरू होता है तो उसे उलट झाला कहते हैं। तरोद, सितार, बेला आदि वाघों में झाला बजाते हैं। मींड और सूत, हम पीछे बता चुके हैं कि किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक अटूट ध्वनि में जाने को मींड कहते हैं। यह क्रिया गायन में मींड और सितार, सरोद आदि वाघों में सूत कहलाती है। इस तरह मींड और सूत में कुछ अंतर नहीं होता है, केवल वाक का अंतर होता है। तोड़ा, द्रुत स्वर समूह को सितार पर बजाने को तोड़ा कहते हैं। गायन में इसे तान कहते हैं। जोड़, अलाप के संचारी और आभोग भागों को जोड़ कहते हैं। जोड़ का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। सितार के अलाप में ध्रुपद के अलाप के समान संचारी भोग संचारी भाग से जोड़ प्रारंभ होता है और अलाप लयबद्ध हो जाता है। जोड़ की गति धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, बीच बीच में सम दिखाते हैं। इसमें तैयारी के साथ मींड, गमक, कर्ण आदि बजाते हैं। जोड़ के अंत में झाला बजाकर अलाप समाप्त करते हैं और गत प्रारंभ करते हैं। बाज, इसका तात्पर्य है शैली। विभिन्न प्रकार के बोलों द्वारा सितार बजाने को बाज कहते हैं। इसके मुख्य दो प्रकार हैं। पहला दिल्ली बाज, इसे मसीद खानी बाज भी कहते हैं। इस शैली के आविष्कारक मसीद खां थे। इसमें मसीद खानी गत बजाई जाती है, इस जिसकी लय विलंबित होती है। शेष विशेषताएं वही है जो मसीद खानी गत की होती है। इसे पश्चिमी बाज भी कहते हैं। दूसरा पूर्वी बाज, इसे रजाखानी बाज भी कहते हैं। इस शैली के आविष्कारक लखनऊ के गुलाम रजा खान थे, अतः इसे रजाखानी बाज अथवा लखनऊ बाज भी कहते हैं। स्पष्ट है कि इसमें रजाखानी गत बजाई जाती है। इस बाज की वही विशेषताएं हैं जो रजाखानी गत की होती हैं। प्रश्न, पहला, सितार के विभिन्न अंगों को सचित्र समझाइए, उसके तारों को किस प्रकार मिलाते हैं। दूसरा, निम्नलिखित की तुलना करिए। पहला, चल अचल ठाठ। दूसरा, मसीद खानी रजा खानी ठाठ। तीसरा, आकर्ष अपकर्ष प्रहार। राग जौनपुरी के परिचय का भाग दो, प्रारंभिक आलाप का तीसरा। सा रे गा रे सा दे मा पा, मापा नीधा पा, मापा धामा पा, नीधा पा, सा रे मापा, धाधा पा मापा, गा रे मापा, गा रे सा। चौथा, धाधा पा मापा, गा रे मापा, मापा धा पा धा नीधा पा, रे मापा, धामा पानी धापा, सा सा रे मा मापा पानी धापा, नीधा पा सानी धापा, मापा धानी सा नीधा पा, मापा धानी सा नीधा नीधा पा, मापा नीधा पा, मापा धापा, मापा धामा पागा, रेमा पागा रेसा रेमा पा। तालबद्ध आलाप, आठ मात्रे की आलाप। पहला, सा रे मा पा। दूसरा, पागा रे सा रे मा पा। तीसरा, नीधा पागा रे मा पा। चौथा, सानी धापा धामा पा। सोलह मात्रे की आलाप। पहला, रे मा पा नीधा पामा पागा रे सा रे मा पा। दूसरा, मापा धापा सानी धापा मापा गा रे मा पा। तीसरा, मापा धानी सा नीधा पा रे मा पा। चौथा, सानी धा पामा पा नीधा पागा रेसा। तालबद्ध ताने, आठ मात्रा की ताने। पहला, सारे मापा नी नीधा पा मागा रेसा रे मापा।
दूसरा सारे मापा धापा मापा नीनी धापा मागा रेसा। तीसरा मापा धानी सानी धापा मागा रेसा रे मापा। चौथा मापा धानी सारे गारे सानी धापा मागा रेसा। पांचवा सारे मापा धापा मापा नीनी धापा मागा रेसा। सोलह माता कीटा ने। छठा सारे मापा रे मापा धा मापा धानी पाधानी सा धानी सारे गारे सा नीधा पामा गारे सा। सातवा सातवा सारे मागा रेसा सारे मापा धापा मागा रेसा सारे मापा नी निधापा मागा रेसा रे मापा। आठवा मागा रेसा धापा मापा मागा रेसा नी निधापा मापा मागा रेसा सानी धापा मापा गा मागा रेसा। नौवा मापा मापा रे मापा धा मापा मापा धानी सानी धानी धापा मापा मापा धानी धापा मागा रेसा। दसवा सानी धानी सानी सानी धानी सानी सानी धानी सानी धापा मागा रेसा सारे मारे रे मापा। प्रश्न पहला जौनपुरी राग का पूर्ण परिचय दीजिए तथा दो अलाप और दो तान लिखिए। दूसरा रेमा पा धापा मापा तथा नीधा पा जौनपुरी राग में किस प्रकार प्रयोग किए जा सकते हैं उदाहरण सहित समझाइए। कुछ रागों का संक्षिप्त विवरण। राग नाम कल्याण, ठाट कल्याण, जाति संपूर्ण संपूर्ण, वादी संवादी गानी, गायन समय राति का प्रथम पैर, विकृत स्वर तीव्र मा, आरोह अवरोह सारे गामा पाधानी सा अथवा नीरे गामा पाधा नीरे गामा धानी सा तानी धापा मागा रेसा। पकड़ नीरे गारे पादे नीरे सा। विशेषता अवरोह में शुद्ध माँ का वक्र प्रयोग करने से यमन कल्याण हो जाता है। राग खमाज ठाट खमाज, जाति साढ़ संपूर्ण, वादी का संवादिनी, गायन समय राति का द्वितीय प्रहर, विकृत स्वर अवरोह में कोमल नी, आरोह अवरोह सा गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा देसा। पकड़ नीधा मापा धामा गा पागा गा देसा। विशेषता इसमें ठुमरी भी गाई जाती है। राग बिहाग ठाट बिलावल, जाति और संपूर्ण, वादी गा संवादिनी, गायन समय राति का प्रथम पैर, विकृत स्वर प्रत्येक स्वर शुद्ध, आदो अवदो नीसा गा मापा नीसा सानी धापा मापा गामा गा रेसा। पकड़ नीसा गामा पा मापा गामा गा रेसा। विशेषता अवदो में तीव्र मा का प्रयोग विवादी स्वर के नाते होता है। राग अलैया बिलावल ठाट बिलावल, जाति साढ़ संपूर्ण, वादी धा संवादी गा, गायन समय दिन का द्वितीय प्रहर, विकृत स्वर अवरोह में कोमल नी का वक्र प्रयोग, आरोह अवरोह सा गा रे गा पा धानी सा सानी धापा धानी धापा मागा मादे सा। पकड़ गारे गापा मागा मारे गापा धानी धापा। विशेषता कोमल नी हटा देने से बिलावल हो जाता है। आसावरी राग आसावरी ठाट आसावरी, जाति और संपूर्ण, वादी धा संवादी गा, गायन समय दिन का द्वितीय प्रहर, विकृत स्वर गा धा नी कोमल, आदो अवदो सारे मापा धासा सानी धापा मापा धामा पा गा देसा। पकड़ मापा धामा पा गा देसा। विशेषता आदो में भी नी प्रयोग करने से जौनपुरी राग हो जाता है। राग देश ठाट खमाज, जाति जाति ऑर्डर संपूर्ण, वादी दे संवादी पा, गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर, विकृत स्वर
अवरोह में कोमल नी आदो अवरो सारे मापा नीसा सानी धापा मागा दे गानी सा पकड़ मापा धामा गारे गानी सा। विशेषता यह राग ठुमरी में के उपयुक्त है। राग बागेश्वरी ठाट काफी वाद वो जाति जाति ऑर्डर संपूर्ण वादी मा संवादी सा गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर। विकृत स्वर गानी कोमल आदो नीसा गामा धानी सा सानी धा मापा धागा मागारे सा पकड़ धानी सामा माधा नीधा मापा धागा मागारे सा। विशेषता अवरो में पा वक्त प्रयोग होता है। राग भैरवी ठाट भैरवी जाति संपूर्ण संपूर्ण वादी मा संवादी सा गायन समय प्रातः काल। विकृत स्वर रेगा धानी कोमल आरो अवरो सादे गामा पाधानी सा सानी धापा मागारे सा पकड़ मागा रेगा सादे साधा नीसा। विशेषता इसमें अधिकतर ठुमरी गाई जाती है, अन्य स्वरों को भी प्रयोग करते हैं। राग काफी ठाट काफी जाति संपूर्ण संपूर्ण वादी पा संवादी रे गायन समय मध्य रात्रि। विकृत स्वर गानी कोमल आरो सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा रे सा पकड़ रेपा मापा गारे मापा। विशेषता यह ठुमरी के उपयुक्त है। राग भूपाली ठाट कल्याण जाति ऑर्डर ऑर्डर वादी गा संवादी धा गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर। विकृत स्वर सभी स्वर शुद्ध आरो अवरो सादे गापा धासा साधा पागा रेसा पकड़ पागा रेगा सादे धासा। विशेषता धागा वादी संवादी से देश का राग हो जाता है। राग पीलू ठाट काफी जाति साढ़े संपूर्ण वादी का संवादी नी गायन समय मध्य काल। विकृत स्वर दोनों गा दोनों नी और दोनों रे आदो अवरो पानी सारे गारे सानी सागा मापा नीसा सानी धापा मापा धापा गारे सानी सा पकड़ पानी सारे गारे सा नीधा पा मापा नीसा। विशेषता यह ठुमरी का राग है। राग भीमपलासी ठाट काफी जाति ऑर्डर संपूर्ण वादी मा संवादी सा गायन समय दिन का तीसरा प्रहर। विकृत स्वर कोमल गा और नी आरो नीसा गामा पानी सा सानी धापा मागारे सा पकड़ नीसा मा मापा गामा गारे सा। विशेषता इसमें सा मा और पागा की संगति प्रयोग करते हैं। राग तिलंग ठाट खमाज जाति ओडवड वादी का संवादिनी गायन समय रात्रि का दूसरा पहर। विकृत स्वर अवरो में कोमल नी आदो अवरो नीसा गामा पानी सा सानी पा गामा गा सा पकड़ नीपा गामा गा सा। विशेषता यह ठुमरी का राग है। राग वृंदावनी सारंग ठाट काफी जाति ओडवड वादी रे संवादी पा गायन समय मध्य काल। विकृत स्वर अवरो में कोमल नी आदो आदो अवरो नीसा रेमा पानी सा सानी पा मारे सा पकड़ नीसा रे मा रे पा मा रे नीसा। विशेषता एक लोक गीत पर आधारित है। राग भैरव ठाट भैरव जाति संपूर्ण संपूर्ण वादी धा संवादी रे गायन समय प्रातः काल। विकृत स्वर रेधा कोमल आदो सारे गामा पाधानी सा सानी धापा मागारे सा पकड़ गामा धाधा पा गामा रे रेसा। विशेषता इसमें रेधा आंदोलित होता है। राग तिलक कामोद ठाट खमाज जाति ऑर्डर साडव वादी दे संवादी पा गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर।
स्वर नहीं। आरो अवरो सारे गासा रेमा पाधा मापा नीसा सापा धामा मा गा सारे गासा नीसा पकड़ सापा धामा गा सारे गासा नी पानी सा रेगा सा। विशेषता यह ठुमरी के उपयुक्त है। राग मालकोश ठाट भैरवी जाति ऑर्डर वादी मा संवादी सा गायन समय जाति का दूसरा पैर विकेश्वर गाधा और नी कोमल हार अवधो सागा माधा नी सा सानी धामा गासा पकड़ धानी सामा गामा गासा। विशेषता गंभीर प्रकृति का राग है। राग पूर्वी ठाट पूर्वी जाति संपूर्ण संपूर्ण वादी गा संवादी नी गायन समय सायम संधि प्रकाश विकेश्वर रेधा कोमल और दोनों मध्यम आदो अवरो नीसा रेगा मा पा माधा नीसा रेनी धापा मापा गामा गारे गा रेसा पकड़ नीसा रेगा रेगा मा रेगा रेमा गा मागा रेसा। विशेषता अपने ठाट का आशय राग है। राग दुर्गा ठाट बिलावल जाति ओडव ओडव वादी मा संवादी सा गायन समय जाति का प्रथम पैर विकेश्वर नहीं है। आरो अवरो सारे मापा धासा साधा पामा रेसा पकड़ धामा रे पा पाधा मा रे सा रे धासा। विशेषता कुछ लोग वादी संवादी धारे मानते हैं। राग कलिंगड़ा ठाट भैरव जाति संपूर्ण संपूर्ण वादी संवादी वादी पा संवादी सा गायन समय प्रातः काल रात्रि का अंतिम प्रहर विकेश्वर रेधा कोमल आदो सारे गामा पाधानी सा सानी धापा माधा मापा धापा मा गा रेसा पकड़ धापा गामा गा रेसा। विशेषता यह चंचल प्रकृति का राग है। इन्हीं स्वरों का राग भैरव की प्रकृति गंभीर गंभीर है।